हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आफ्टर PA2 एग्ज़ाम। स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न हियर क्लास फिफ्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 10, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। ओके स्टूडेंट, और इसमें हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था, इसमें टॉपिक था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुका हूँ इसका आपसे, आज मैं आपसे करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है स्टूडेंट आपको, ये पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस, यानी डिफरेंस निकालना है आपने। क्या करना है? डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना है। पहला पार्ट दे रखा है इसका, ए पार्ट है आपका इसमें 352.86 माइनस, डिफरेंस पूछा गया है तो माइनस आएगा 21.92। तो इसमें आपने डिफरेंस निकालना है, यानी इस नंबर, इस डेसिमल नंबर से आपने ये डेसिमल नंबर्स को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्यूशन में? तो क्या करोगे आप, पहले ये नंबर लिख लो 352.86। अब आपको स्टूडेंट ये याद रखना है, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है जो यहाँ, ये ठीक ऊपर वाले पॉइंट के नीचे ही आएगा। इसके बाद इसकी जो ये पोजीशन है, इट्स कॉल्ड टेंथ पोजीशन, ये हंड्रेड्थ पोजीशन कहलाती है। तो टेंथ के नीचे, यानी टेंथ की पोजीशन के नीचे टेंथ 9 और हंड्रेड के नीचे 100। और यहाँ से ये आपने डिजिट लिखी है, यहाँ भी देखोगे आप, यहाँ ये आगे तो मैं पॉइंट के बाद वाले लिख चुका हूँ, लेकिन पॉइंट से पहले में वंस प्लेस पे वंस, टेंस प्लेस पे टेंस। वंस प्लेस यहाँ क्या है देखो, 2 है, और यहाँ वंस प्लेस क्या है, 1 है। तो ठीक 2 के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। टेंस प्लेस है इसकी, टेंस है इसका 2, इसका टेंस प्लेस क्या है 5, तो ठीक 5 के नीचे ये 2 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी हंड्रेड यहाँ, सॉरी यहाँ वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस क्या है यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं है हंड्रेड प्लेस, तो क्या मानी जाएगी 0। और ये सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ऑफ साइन यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 6 - 2 कितना बचता है 4, 8 - 9 आप नहीं कर सकते, 8 में से आप 6 - 2 4 आया, 8 - 9 आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 8। तो क्या करेंगे, इसको आप अज्यूम करेंगे माइंड में 18, इसको कितना अज्यूम करेंगे 18 - 9 यानी 9। तो यहाँ कितना बचा 18 - 9 यानी 9। अब जो हमने इसको 18 अज्यूम करा था, इसकी एक कैरी है 18 की, हमने जो 1 यहाँ लगाया था, 1 इसकी क्या होगी, कैरी हो गई। ये कैरी यहाँ क्या होगी, कर देंगे आप, या तो आप यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करो कैरी को, या आप यहाँ नीचे ऐड करो, तो दोनों चीज़ कर सकते हैं आप। ऊपर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और नीचे आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं नीचे ऐड करने करता हूँ ज़्यादातर। तो इसकी जो 18 हमने माना था, इसमें से 9 कम करा, कितना बचा 18 - 9 9, कैरी 1, 1 + 1 यानी 2, 2 - 2 यानी 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 2 हुआ, 2 - 2 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना आएगा। अब ये 2 - 2 0, 5 - 2 यानी 3, और 3 - 0 यानी 3। तो कितना आया हमारा 330.94। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका एक अनदर पार्ट ले रहा हूँ, एक और पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ठीक से। दूसरा पार्ट है इसका, और मैं थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट ले रहा हूँ इसमें, जो थोड़ा आपको डिफरेंट लगे, इस तरीके का एक पार्ट चूज करता हूँ इसमें। तो मुझे जो डिफरेंट पार्ट लग रहा है इसमें, वो है आपका एफ पार्ट लग रहा है। एफ मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो आपको थोड़ा अलग लगेगा, 10.5 माइनस 7.63। तो ये मैंने पार्ट लिया, एफ पार्ट लिया है, और इसको आप कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ आप, सॉल्यूशन
सॉल्यूशन होगा आपका, सबसे पहले आप एक डिजिट लिख दो 10 पॉइंट, ये है आपका 10.10.5। अब ये मैं लिख चुका हूँ, राइट कर चुका हूँ, अब इसको इसके नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा आपका, ठीक है, पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया। यहाँ जो टेंथ प्लेस है, पॉइंट के बाद टेंथ, हंड्रेड्स ऐसी प्लेस होती है, और ये इसके नीचे टेंथ के नीचे इसकी टेंथ प्लेस कौन सी है, टेंथ प्लेस ये सिक्स है, सिक्स आएगा। और इसकी जो हंड्रेड प्लेस दे रखी है, बट यहाँ हंड्रेड प्लेस नहीं दे रखी है, आप देख रहे हो ये टेंथ प्लेस है इसकी, हंड्रेड प्लेस यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ थ्री हंड्रेड प्लेस में है। ओके स्टूडेंट, तो हंड्रेड प्लेस में क्या है, थ्री है, तो उसको आगे आप लिख दोगे, बट यहाँ इसकी हंड्रेड प्लेस नहीं है, तो आप क्या मान लोगे, जीरो, इस तरीके से। अब वंस प्लेस सेवन है, यहाँ वंस प्लेस कितनी, जीरो है, तो वंस प्लेस के नीचे, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, और इसके बाद इसकी वंस टेंथ प्लेस यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ वन है, ऊपर वाले डेसिमल की वंस प्लेस सॉरी जीरो है, और टेंथ प्लेस क्या है, टेंथ प्लेस क्या है, वन है, और नीचे वाला जो ये वाला नंबर है इसकी टेंथ प्लेस नहीं गिवन है, तो कितना मानेंगे, जीरो, और करना है आपको माइनस, इस तरीके से। जीरो से थ्री सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज थ्री इज ग्रेटर देन टू जीरो, तो इसको एज्यूम करके आप क्या क्या मान लो, माइंड में टेन मान लो, टेन माइनस थ्री कितना बचा आपका, सेवन, और इसकी कैरी बच गई वन, तो टेन माइनस थ्री सेवन, कैरी वन। अब मैंने कहा या तो इसको आगे वाले नंबर ऐड कर दो, ऊपर ऐड करते हैं, ऊपर सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे ऐड करते हैं। अब मैं नीचे ऐड करने वाला मेथड ज़्यादा मैं वही करवाता हूँ, या मुझे वो ठीक लगता है। तो जो वन कैरी यहाँ से आई आपकी, जिसको हमने वन जीरो को हमने क्या मान लिया, टेन, ठीक है, और टेन की आ गई वन कैरी, वन कैरी को हमने यहाँ ऐड करना है, यहाँ हमने क्या करा, ऐड करना है, तो ये कितना हुआ, सिक्स प्लस वन सेवन, ये कितना हो गया, सेवन हो गया। अब फाइव में से सेवन नहीं घटता है, फाइव में से सेवन नहीं कम होता है, फाइव माइनस सेवन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, फाइव को क्या मान लेंगे, फिफ्टीन मान लेंगे, फाइव को क्या मान लेंगे, फिफ्टीन माइनस सेवन, फिफ्टीन माइनस सेवन कितना होगा, एट बचेगा आपका, कितना बचेगा, एट बचेगा यहाँ पे। और इसकी भी, क्योंकि इसको आपने एज्यूम करके कितना माना, 15 माना, तो इसकी जो कैरी होगी एक बची वो यहाँ ऐड कर दोगे आप, 7 प्लस 1 यानी 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना हुआ, 8 हुआ, 0 माइनस 8, 0 से 8 कम नहीं होता, तो इसको क्या करेंगे, एज्यूम 10 कर लेंगे, 10 माइनस 8 कितना बचा आपका, 2, तो 10 माइनस 8 यानी ये पॉइंट के नीचे पॉइंट बढ़ाया और 2 बच गया यहाँ, ये 8 हुआ, 10 माइनस 2 8, क्योंकि इसको हमने एज्यूम करके कितना बना दिया, 10 बना दिया, क्योंकि ये 8 इज लेस देन सॉरी 8 इज ग्रेटर देन टू 0, तो इसको हमें कितना माना, 10। इसकी भी एक कैरी हुई आपकी, वो कहाँ आ जाएगी, 0 के साथ ऐड हो जाएगी, 0 प्लस 1 यानी 1, अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0। स्टूडेंट देख रहे होंगे जो कैरी आई इसमें ऐड हुई, 1 माइनस 1 यानी 0। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।